रामलला के दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि नए मंदिर में भगवान श्री राम की पुरानी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं भोपाल। भोपाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल पहुंचे। मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी एवं हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, इस समय दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पधार और ये कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दीप प्रज्वलन के लिए पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इस वक्त मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और रामेश्वर शर्मा जो कि विधायक हैं स्थानीय, वहां पहुंचे हुए हुजूर से विधायक हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके साथ ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन। भोपाल के बैरागढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल के बैरागढ़ में कार्यक्रम चल रहा है और हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर हो रहा है और राम मंदिर में भगवान रामलला के विराजमान होने के उपलक्ष्य में भोपाल के बैरागढ़ में ये कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर भी कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम भोपाल के बैरागढ़ से, जहाँ लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और भगवान श्री राम के भक्त, परम भक्त, परम प्रतापी, बलशाली, बुद्धिशाली भगवान हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर किया जा रहा है। दोनों हाथ उठाइए हमारे लाडले मुख्यमंत्री महाकाल के अनंत भक्त, जिनने राजा राम को 5 लाख लड्डू भेजे हैं, ऐसे मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए जरा। मिस्टर शर्मा भजन भी गा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा दें। और राजा राम के लिए लड्डुओं का प्रसाद 22 तारीख के लिए जिस मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सब तो कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री और हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा और यहां पर जयकारे लगाए जा रहे हैं। करना चाहते हैं
और राजा राम का 22 तारीख को मंदिर बन रहा है, बताओ कौन कौन भोग लगाएंगे, मिठाई बांटेंगे, पटाखे चलाएंगे। ऐसी दिवाली बनना चाहिए मध्य प्रदेश में राम दिवाली के पूरे देश भर से मोहन यादव जी के लिए पत्र आए कि मध्य प्रदेश की दिवाली सबसे बड़ी दिवाली थी, ऐसी दिवाली मनना चाहिए। आज भारत का परम सौभाग्य, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बैरागढ़ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रामेश्वर शर्मा इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ये हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर रखा गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पुष्प से पुष्प अर्पित कर यहां पर नमन किया है। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले, जल्द लौटते हैं।